हैं या एथलीट होकर भी हम ले सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं, मतलब कैसे भी यूज कर सकते हैं कि नहीं? Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in. हेलो व्हाट्सएप का बीआर फिटनेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वे प्रोटीन का कंसेंट्रेट, जो कि कंसेंट्रेट वे प्रोटीन होता है एसिडिट्स का, उसका रिमूव दिखाऊंगा। देखिए कैसा है, किस तरीके ने मैंने फर्स्ट टैग लिया हुआ है इसका। मैंने पहला ही ज्यादा नहीं फर्स्ट टैग यूज किया तो मुझे क्या प्रभाव पड़ा क्या नहीं मुझे पता नहीं चला क्या नहीं है। तो आज उसे मुझे पीने के बाद पता चल रहा है क्या कैसा कैसा नहीं। कैसा बताते लोग और बहुत अच्छा है कि ये भाई मैं सब कुछ अच्छा बताऊंगा क्या क्या चीज है क्या नहीं है। तो इसके पीने के बाद मुझे सब कुछ बताऊंगा सिर्फ क्या नहीं है। तो आज मैं इसका रिमूव दिखा रहा हूँ कि मैंने पीने के बाद क्या पता चला क्या नहीं है। तो ठीक है, मैं बात करता था एसिडिट्स को, जो कि हमारा एसिडिट्स का वे प्रोटीन है, जो कि कंसिडर्ड वे प्रोटीन 80% प्रोटीन है इसमें। तो बात करते हैं इसकी, जो कि नो फ्लेवर है इसका, फ्लेवर जो कि जीरो, बिल्कुल फ्लेवर कुछ नहीं है, कंसिडर्ड वे फीका फ्लेवर है भाई। बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फ्लेवर की। तो सबसे इसमें कोई सा भी प्रोटीन करेंगे फ्लेवर कोई सा नहीं आता कि मैंगो मिल जाए, बनाना मिल जाए, भाई कैसा वनीला मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए, कोई फ्लेवर नहीं आएगा इसमें। फ्लेवर हमेशा बिल्कुल जीरो फ्लेवर रहेगा, कोई फ्लेवर नहीं, बिल्कुल जैसा दूध होता है ना सूखा दूध गाय का, भाई बिल्कुल वो ही है। अब बोलोगे भाई आता कहाँ से ये प्रोटीन, भाई दूध से ही बनता है, नहीं कि किसी और चीज से बनता, दूध से फिल्टर करके बनाया जाता है ये प्रोटीन। तो अब बात करते हैं इसका रिव्यू, क्या है वे प्रोटीन, एसिडिट है क्या चीज है, किस कंपनी का नाम है, क्या नहीं है भाई, कहाँ से बनी हुई है, कैसे नहीं है। तो ये है हमारा यूएसए का ब्रांड, जो कि हमारा यूएसए का पुराना ब्रांड है, सबसे बहुत पुराना ब्रांड है भाई साहब, इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है। तो मैंने अच्छे खासे देखे थे मूवीज के, अच्छे खासे भी जिसने भी देखे थे भाई, कितने भी किसी ने भी बहुत कुछ गिर रखा था कि ये भाई ये मैंने बहुत कुछ क्लियर कर दिया इस वीडियो में। अब मैं दिखा रहा हूँ क्लियर करके इसका क्या चीज है। तो मैंने इसकी फुल स्टैक बताई थी, मैंने इसका बड़ा 1 kg का भी मंगा रखा है, मैंने ये 1/2 kg का मंगा रखा है। तो इसमें 500 ग्राम मुझे मिला, मैं उसका रिव्यू देखा था भाई, मैंने 10 दिन ही पिया होगा अभी, समथिंग 10 डेज ही हुआ होगा। तो उसमें पूरा पता चल गया क्या चीज है क्या नहीं है। तो इसका सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोटीन के बारे में। तो इसका प्रोटीन एक स्कूप होता है इसका 30 ग्राम का। तो 30 ग्राम में प्रोटीन कितनी मिलती है हमें, क्या कितनी नहीं मिलती है, क्या मिलता है फैट और कैलोरी कितनी मिलती है, शुगर कितना मिलता है हमें। तो हम इसे पोस्ट वर्कआउट में यूज करें या प्री वर्कआउट में यूज कर सकते हैं, या एथलीट होकर भी हम ले सकते हैं, या बॉडी बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं, मतलब कैसे भी यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे बात करते हैं हम इसके स्कूप की, 30 ग्राम का होता है, 30 ग्राम में हमारी प्रोटीन निकलती है मात्र 24 ग्राम। तो हम 100 ग्राम का पूरा स्कूप लेंगे तो लगा लेना हम 100 ग्राम में कितनी लेगी। तो हमारी इसकी 16 सर्विंग आती है, मतलब 500 ग्राम में जो कि 1/2 kg का लोगे आप, तो 16 सर्विंग निकलती है इसकी। आप 1 kg का ले रहे हो तो 33 सर्विंग निकलते हैं, 33 सर्विंग। तो उसमें आपको कैलोरी मिलेगी 1 सर्विंग में 119, और आपको प्रोटीन मिलेगा इसको मैं बता दिया, प्रोटीन एक स्कूप में 24 ग्राम मिलता है। कार्बोहाइड्रेट कितनी मिलती है, सबसे बड़ी बात होती है कार्बोहाइड्रेट ज्यादा तो नहीं है या शुगर, भाई सबसे बड़ा बंदा क्या करता है कार्ब कम कर देता है बॉडी का फैट लॉस करने में। तो बात तो कार्बोहाइड्रेट इसकी 2.5 ग्राम है। शुगर किसी किसी बंदा तो शुगर भी नहीं यूज करता भाई, तो शुगर है इसका 0। और टोटल फैट की बात करते हैं, फैट कम, फैट परसेंट तो बंदा डाइट से होगा तो फैट तो कम ही रखेगा, तो इसका फैट है भाई 1.5 ग्राम। तो अब इसमें आर्जिनाइन, BCAA या ग्लूटामाइन सब कुछ मिल रहा है कि नहीं, ट्राइसोमाइन मतलब कुछ मिल रहा है कि नहीं पता नहीं है। तो अब मैं इसके पूरा डिटेल बता रहा हूँ, देखो पूरी हमारी न्यूट्रिशन की फैक्ट दिया हुआ है कि मिल रहा है कि नहीं, सब कुछ दिया हुआ है। मैंने स्क्रीन पर आ रहा होगा, साइड में देख लेना या इधर या इधर, साइड में दोनों तरफ आ रहा होगा स्क्रीन पर नोटिफिकेशन का पूरा फैक्ट आ रहा है। तो मैं उसमें भी दिखाऊंगा और इसमें भी बता रहा हूँ जो कि क्या चीज है। तो एल आर्जिनाइन भाई सबसे बड़ी बात आती है, 1 सर्विंग में एल आर्जिनाइन मिल रहा है 0.5 ग्राम एल आर्जिनाइन मिल रहा है। अब बात करते हैं जो भाई हमने 100 ग्राम पी लिया 3 बार में, 30 ग्राम की हम 3 बार पियोगे, मतलब कैसे भी पी लो 100 ग्राम, मतलब एक बार में नहीं पीना है। तो भाई कितना मिला एल आर्जिनाइन, 1.7। देखो इतनी बड़ी बात तो 1.7 मिल गया। अब आता है एलाइन भाई हमें 1.2 मिल रहा है 1 सर्विंग में, और पूरी 100 ग्राम में मिल रहा है 3.9 सर्विंग 9। तो अब इसमें पॉल प्रोलिन सेरिन टायरसिन मतलब ग्लाइसिन ग्लूटामाइन एसिड 4.0 भाई, ग्लूटामाइन एसिड भी मिल रहा है, बताइए और क्या चाहिए। अब आती है इसकी भाई, जब इसे
पीते हैं तो ये पछता है कि नहीं, शुद्ध भाषा में बोलता हूँ, सीधे बोलना, पच रहा है कि नहीं, किसी को कर रहा काम कर रहा बॉडी में नहीं, क्या किसी को वॉमिटिंग आ जाती है पीने के बाद, क्या किसी को, भाई सबसे बड़ी बात होती है इसका स्वाद बेकार है, बिल्कुल स्वाद तो फीका ही है भाई, सबसे बड़ी बात तो ये स्वाद इसका बिल्कुल फीका, अब फीका कैसा बिल्कुल समझ लो, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, जैसा लगेगा दूध पी रहे हम, बिल्कुल फीका, पीने के बाद किसी को हजम होता है कि नहीं वो अलग बात है भाई, मैं उसकी पचने की गारंटी नहीं ले सकता हूँ, किसी की बॉडी को, किसी को भाई, किसी को फ्लेवर में सही रहता है, किसी को नहीं है, किसी को पसंद नहीं रहता है, तो अब बात करते हैं इसका कैसे काम करेगा बॉडी पर, तो सबसे भाई मिलाता हूँ मैं, जब मैंने इसे मिक्सिबिलिटी करता हूँ, इसकी मिक्सिबिलिटी इतनी बेकार है कि आप कम से कम 5 मिनट तक इसे हिला नहीं सकते, जब तक इसकी मिक्सिबिलिटी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते, तो इसकी जो बबल्स बन जाते हैं ना इसमें, वो नहीं खत्म होते, इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है, बबल्स लोग कहते हैं इसमें बबल्स नहीं होते है, भाई सबसे बड़ी बात तो बबल्स है, लेकिन प्रोटीन पीने में लाजवाब है भाई, मैं ये नहीं कहता प्रोटीन खराब है नहीं, मैंने जो पिया है सबसे बेस्ट प्रोटीन मुझे ये लगा है, और रही बात इसे पीने के बाद, और हाँ इसे आप फैट लॉस में भी काम कर सकते हो, बॉडी गेनिंग में भी काम कर सकते हो, आपका फैट लॉस गोल है, आपका फैट लॉस बिल्कुल गोल है, हाँ भाई मुझे फैट लॉस लैक्टोज भी कम करनी है, इसमें शुगर भी कम करना है, तो भाई सबसे बेस्ट प्रोटीन तो मेरा यही जाएगा, मैं इसे 80% यही मानता हूँ। अब रही और मात इसकी प्राइस की बात करते हैं, तो प्राइस इसका ज्यादा नहीं है, 1 kg का इसका 1199 रुपए, वरना 1150 के समथिंग ही है, ज्यादा नहीं है भाई, सबसे सस्ता भी और सबसे अच्छा भी प्रोटीन यही है, मैंने जो देखा, बस इसकी मिक्सिबिलिटी की सबसे बड़ी बात है, मिक्सिबिलिटी जो है ना सबसे बेकार है, मैंने जितने भी प्रोटीन मैंने पिया है कंसेंट्रेट में, जितने भी प्रोटीन मैंने पिए हैं उसकी मिक्सिबिलिटी के हिसाब से, जो कि भाई इसके जो बबल्स रह जाते हैं ना वो सबसे मुझे बेकार लगते हैं, जो कि उल्टी पैदा करते हैं मुंह से, तो इसलिए 5 मिनट तो मुझे हिला के वैसे भी रखना पड़ता है, मतलब 5 मिनट पहले ही जिम वर्कआउट करता हूँ या उसके बाद भी। तो अब बात आती है इसकी पीना कैसे है, इसे आप पोस्ट वर्कआउट में भी यूज कर सकते हैं, प्री वर्कआउट में भी, इसकी रिकवरी बॉडी को रिकवरी तो बहुत जल्दी करता है भाई, बॉडी की रिकवरी तो इतनी जल्दी करता है, आप बीसी डॉले पीते हो मतलब सब कुछ रिकवरी करते हो इतनी जल्दी, आप काप्स लेते हो भाई कैसे करूं, काप्स इतनी जल्दी नहीं कर पाता काम, तो इसलिए इसे 10 मिनट में काम कर देता है, 10 मिनट में इतनी जल्दी काम करता है कि पूछ नहीं सकता मैं, तो जितना मैंने ये बन स्ट्रक कर लिया था पूरा फ्लेवर आज आधा रह चुका भाई, जितना मैंने 10 डेज हो चुके, जितना मैंने पूरा कहानी बता दिया किस तरीके से काम करता है किस नहीं, तो ठीक है आगे मिलते हैं, बाकी का मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ रही है नीचे, बात उस पर SMS